Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the official answers of class 9th science question paper. So एक एक करके हम सारे questions के answer discuss करेंगे जो कि 100% accurate होने वाले हैं. So पहला question था, conversion of solid state into vapor without passing through the liquid state is called. तो इस process को क्या बोलते हैं, तो इसको sublimation बोलते हैं. तो right answer option number C, sublimation हो जाएगा. Next question है, विच इज़ द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट. तो देखो गैस में कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है, तो बर्निंग ऑफ वुड इज केमिकल चेंज. केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन एंड ऑक्सीजन कम्बाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल द रेशियो ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बाय मास. तो इसका रेशियो 3:8 होता है. फिर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 11N एंड 12mg, ठीक है, तो इसका 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. आइसोटॉप ऑफ सेम एलिमेंट्स है, आई गेस इसका सेम अटोमिक नंबर होगा, सेम अटोमिक नंबर होता है, तो 7th का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डीटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग. तो इसका आपका हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी स्मूथ ईआर, जिसको SER बोलते हैं या ER बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू सेल डिवीजन. तो इसका हो जाएगा एपिकल मेरिस्मेटिव. क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्मेटिव, क्योंकि सेल डिवीजन करता है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव. तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका हो जाएगा ऑन स्टेट पाथ हो जाएगा, 10th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी, तो इसकी बॉडी क्या रहेगी, तो इसका राइट आंसर है हमारा कि जो स्पीड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगी. स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगी. अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग. तो ये कौन सा लॉ, या तो इनर्शिया होता है तो इनर्शिया से, या नहीं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. व्हाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, तो क्यों होगा, तो इसका भी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्यू टू इनर्शिया हो जाएगा करेक्ट आंसर. एक सेकेंड, इसका एक बार मेरे को क्लियर नहीं, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आई गेस हाँ 13 का, इसका मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम बहुत तेज होती है, इसीलिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उससे, हाँ ठीक है, तो आई गेस सी होगा इसका. द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी, तो जी क्या होगा, तो लेस ऑन इक्वेटर, हाँ लेस ऑन इक्वेटर होता है, ऑप्शन 14 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तो जिसका राइट आंसर है आप कहीं से भी करो, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है, रिमेन कॉन्स्टेंट. क्यों, क्योंकि एनर्जी का आपने लॉ पढ़ा होगा, वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, सेम रहती है. फिर ये आपका स्टेटमेंट ऑन करेक्शन वाला था, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना. 16 क्वेश्चन आई गेस रह गया है, हाँ ये पूछा है वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो वर्क डन जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. फिर आते हैं अपने हम लॉन्ग क्वेश्चन पे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मिक्सचर एंड कंपाउंड, आयरन सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, फिर सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो ये करना था. वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, फिर राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेरिस्मेटिव एंड परमानेंट टिश्यू, वॉट आर द फंक्शन ऑफ क्या है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट एनी टू फंक्शन, फिर